बैतूल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय बैतूल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधान जिला न्यायाधीश श्री प्राणेश कुमार प्राण ने जानकारी दी है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार संपूर्ण मध्य प्रदेश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में बैतूल जिले में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया। यह लोक अदालत जिला न्यायालय बैतूल, व्यवहार न्यायालय आमला, भैंसदेही व मुलताई के साथ साथ राजस्व न्यायालयों, श्रम न्यायालय, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, ग्राम न्यायालयों आदि के न्यायालयों में आयोजित होगी। पक्षकारगण इस लोक अदालत के समक्ष कोई मामला या न्यायालय की अधिकारिता के भीतर आने वाले किसी ऐसे विषय के बाबत जो उसके समक्ष नहीं आया है को आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकरण करा सकते हैं। पक्षकारगण किसी भी न्यायालयीन कार्य दिवस पर आपसी सुलह एवं समझौते के माध्यम से अपने प्रकरणों के निराकरण हेतु संबंधित न्यायालय में अपनी सहमति सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे उनके मामले का निपटारा आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर लोक अदालत में किया जा सके। इतना ही नहीं, प्रधान जिला न्यायाधीश श्री प्राणेश कुमार प्राण ने 6 बिंदुओं में लोक अदालत के लाभ भी बताए हैं, जो कि इस प्रकार है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली के निर्देशानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार जबलपुर के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार बैतूल एवं अन्य जिला के विधिक सेवा प्राधिकार में नेशनल लोक अदालत के आयोजन की रूपरेखा खींच ली है। 14 सितंबर 2024 को पूर्व की भांति ही न्यायालय में लंबित प्रकरण या न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले प्रकरण को हम न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, पक्षकारगण मिल बैठ के आपसी राजीनामा से, आपसी बातचीत से, आपसी प्रेम से, आपसी सौहार्द से सुलझाने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि न्यायिक प्रक्रिया का इतिहास बताता है, हम पूर्व में भी एक वैसा वातावरण लोक अदालत के माध्यम से बनाने में समर्थ हुए हैं, जहां पर प्रेम और भाईचारा से विवादों का निपटारा होता है। आगामी 14 सितंबर 2025 को जिला न्यायालय बैतूल और तहसील न्यायालय मुलतई, आमला एवं भैंसदेही में न्यायाधीशगणों और अधिवक्तागणों की बनी खंडपीठ में क्लेम प्रकरण के मामले, चेक अनादरण के मामले, राजीनामा योग्य प्रकरणों के आपराधिक प्रकरण के मामले, विद्युत विभाग से संबंधित आपराधिक प्रकरणों के मामले, सिविल वाद एवं अन्य ऐसे वाद, लैंड एक्विजिशन के मामले और अन्य ऐसे वाद जो कि जो राजीनामा से जिसका समाधान हो सकता है, जिसके राजीनामा करने में कोई विधिक बाध्यता नहीं है, वो खंडपीठ के समक्ष रखे जाएंगे। न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण पक्षकारों को समझाई देके पक्षकारों में ऐसा वातावरण सृजित। तुम क्या नाम है और क्या कारण था जो आज प्रेस वार्ता रखी गई? 14 सितंबर 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, उसी के प्रचार प्रसार के लिए ये प्रेस वार्ता रखी गई है। प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं अपील करना चाहती हूँ कि अधिक से अधिक लोग इसमें लोक अदालत में हिस्सा लेकर राजीनामा से प्रकरणों का निराकरण कराएँ और इसको उसका फ़ायदा उठाएँ और इसको नेशनल लोक अदालत को सफल बनाएं। जी, इसके पूर्व भी ये लोक अदालत करी गई है, तो कितने जो मामले हम उसमें पिछली लोक अदालत में उस समय में न्यायालय में 23,000 के लगभग प्रकरण लंबित थे, उसमें से 430 प्रकरणों का निराकरण हुआ था और अभी 24,000 के लगभग प्रकरण लंबित हैं, जिसमें से 4,000 प्रकरण रिफर्ड किए गए हैं लोक अदालत। जी, कैसे प्रेरित किया जाता है
ये लोगों को ये बताया जाता है कि जो ये प्रकरण है इसमें कोर्ट फीस वापस हो जाएगी, इनका आपका इसकी कोई अपील नहीं होगी, लोक अदालत के माध्यम से जो भी प्रकरण निराकृत होते हैं उनकी कोई अपील नहीं होती है, इसमें इनको कोई भी कोर्ट फीस नहीं देनी होती है, सस्ता सुलभ त्वरित न्याय इनको प्रदान प्राप्त होता है और एक पक्ष की दूसरे पक्ष से कोई दुश्मनी नहीं होती है, अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनका राजीनामा हो जाता है, इसलिए लोक अदालत को प्रोत्साहित करते हैं। जी किस दिन रखी जाएगी? 14 सितंबर 2024 को।